हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबका केपीजे स्टार एक बार फिर स्वागत करता हूँ यहाँ पे केपीजे स्टार अपडेट चैनल में। तो आपको बता दूं यहाँ पे सभी कैंडिडेट के लिए एक और जो नई जॉब है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। ये जो जॉब है IBPS की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। तो आपको बता दूं यहाँ पे आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी कि इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसके फॉर्म शुरू नहीं हुए। आपको बता दूं आज ही इसके फॉर्म शुरू हुए हैं, इसलिए आज मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आज ही इसका जो ऑनलाइन फॉर्म का जो लिंक है वो यहाँ पे ओपन किया गया है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/7/2022 यहाँ पे बताई गई है, यानी कि 1 जुलाई इसकी डेट बताई गई है फॉर्म स्टार्ट की, लेकिन लिंक इसका ओपन नहीं हुआ था। लिंक आज ही इसका ओपन किया गया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लास्ट डेट की बात करूं यहाँ पे तो आपको बता दूं यहाँ पे 21/7/2022 यानी कि 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है IBPS की तरफ से। यहाँ पे ये जो जॉब है वो यहाँ पे निकाली गई है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नीचे की तरफ मैं आपको यहाँ पे लेके चलूं तो इसकी लास्ट वीक की डेट भी यहाँ पे 21 जुलाई रखी गई है। PET ट्रेनिंग यहाँ पे अगस्त 2022 है, ठीक है। प्री एग्जाम डेट यहाँ पे सितंबर में होगा, तो उसके बाद जो कि मेन आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर 2022 में करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करूँ जनरल OBC के लिए यहाँ पे 850 यानी कि 850 रुपीज यहाँ पे रहने वाली है। SC ST PH के लिए यहाँ पे 175 यानी कि 175 आपकी फीस यहाँ पे रहने वाली है। आगे की तरफ लेके चलो तो आपको बता दूं यहाँ पे इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि जनरल की 2767 वैकेंसी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की बात करूँ यहाँ पे 6035 यानी कि 6035 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं OBC यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे जनरल OBC EWS SC और ST की यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें जनरल की जो वैकेंसीज है 2767 वैकेंसी है, OBC की यहाँ पे 1379 वैकेंसी है, EWS की यहाँ पे 538 वैकेंसी है, SC की यहाँ पे 951 वैकेंसी है, ST की यहाँ पे 400 वैकेंसी है। वही इसमें आपको बता दूं आपकी क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, 10th एंड 12th वाले फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें एज लिमिट की बात करूँ 20 ईयर से लेकर 28 ईयर तक जो आपकी एज लिमिट है, यानी कि 20 से लेकर 28 साल तक आपकी एज लिमिट रखी गई है। तो बाकी आगे की तरफ मैं आपको लेके चलूँ, ये जो वैकेंसीज है पूरे ऑल इंडिया की यहाँ पे निकाली गई हैं। आप अपनी स्टेट का नाम देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो चैनल है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की न्यू जॉब्स के लिए ही यहाँ पे बनाया गया है, जॉब्स की अपडेट के लिए एंड भर्तियों के लिए। तो हम बात करेंगे अपने जम्मू की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू का जो नाम है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो वैकेंसीज की बात करूँ यहाँ पे 35 जम्मू एंड कश्मीर की जो वैकेंसीज हैं वो 35 रहने वाली हैं। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, वो चाहे गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, तो वो इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं 6035 हैं, लेकिन यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की सिर्फ 35 वैकेंसीज हैं लगभग। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बहुत कम यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई है, 35 यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसीज हैं। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो वो इसमें यहाँ पे फॉर्म जरूर लगा सकता है। अगर आप इसी तरह नई से नई जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं तो KPJ स्टार अपडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।